हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आज क्या करने वाले हैं कि बहुत अच्छा दिन होने वाला है क्योंकि अपन जाने वाले भाई एक बहुत ही स्पेशल कार के शूट के लिए। तो फिलहाल अपन घर से बाहर निकल चुके, अराउंड 7 किलोमीटर यहाँ से रहेगा। एक जो है अपने फ्रेंड ऑफ रोडिंग करते हुए अभी, तो भाई ये यहाँ से आ रहा है, ये देख लो। इतना ऑफ रोडिंग करके इसको आना पड़ेगा, खेत खलियान नदी पहाड़ सब। और भाई एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको कि फिलहाल जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वो वाली जो है बोया BY M1 यूनिडायरेक्शनल से कर रहा हूँ। तो इनिशियल आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला माइक जो है इसका साउंड आउटपुट आप सुन ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो है इसका साउंड आउटपुट रहने वाला है। तो भाई सुबह सुबह इतनी जल्दी उठे, थोड़ी सी नींद तो है, एक्साइटेड बहुत है। फिर ब्लॉगिंग के लिए फिलहाल जो है मैं मिनी ट्राइपॉड यूज़ कर रहा हूँ। इन सारी डिवाइसेस की लिंक आप जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लें। और फिलहाल हमारे साथ पराग भाई भी जाने वाले हैं। और आज की जो है एक्साइटेड बात ये है कि पराग भाई जिसका हम शूट करने जा रहे हैं वो भी अपना फ्रेंड ही है, बट आप उससे पराग भाई लगभग 4 से 5 साल से उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था। तो आज का वो रिएक्शन भी देखने वाला है भाई, कितना मतलब अच्छा रिएक्शन होने वाला है। तो भाई एक्साइटेड तो हैं। और फिलहाल और एक चीज़ भाई, अपन ने शूज़ परचेस किए हैं आज, स्पेशल जो गाड़ी है उसके लिए अपन शूट करने के लिए जा रहे हैं, तो स्पेशल अपन ने शूज़ भी परचेस किए हैं। अपने एक फ्रेंड ने जो है ऑनलाइन स्टोर भी खोला हुआ है, तो उसकी जो है इंस्टा आईडी वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस चीज़ की यार एक दिक्कत ये हुई है कि अपने को लेस बांधते हुए ज़्यादा आते नहीं है, तो अपन ने लेस को कुछ ऐसे टाइप किया हुआ है। तो ठीक है भाई, चलता है। बात है भाई, भाई ने भी परचेस किए हैं, बट इसमें दो लेस, दो तो नहीं है ना, नहीं सिंपल है भाई। भाई साहब के भी जूते बहुत शानदार लग रहे हैं। भाई कैमरामैन कैसा लग रहा है आज? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्यों? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल शूट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल गाड़ी का शूट करने जा रहे हैं ना। तो भाई काफ़ी स्पेशल गाड़ी रहने वाली, और आप रिएक्शंस भी देखेंगे। तो भाई साहब आ गए हैं, अभी मिलते हैं भाई, भाई से भी मिलते, चलते नीचे। भाई साहब वेन्यू का आपको ब्लॉग देखना है तो जो है मैंने आई बटन में लिंक दी है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग भाई, कॉपीराइट आ जाएगा उसको। कर वॉल्यूम कम कर। पराग भाई कैसे हैं भाई? गुड मॉर्निंग। तो भाई ये अपने पराग भाई आ चुके हैं, और अपन मिलने जाने वाले हैं आज मयंक भाई से। मयंक से लगभग तू भी 5 साल से नहीं मिला हुआ, 4-5 साल, 7 साल से नहीं मिला भाई। 7th में अपन साथ में थे। अमन भाई कितना एक्साइटेड है भाई आज की गाड़ी के लिए? क्या बात है भाई, आज तो एक्साइटेड बहुत है, बट 5 बजे भाई उठने में किसी मतलब कैसा लगा भाई? 5 बजे चले चलते, और नहीं खड़े होते तो भाई कुछ बात नहीं। तो भाई आज का बहुत काफ़ी अच्छा व्लॉग होने वाला है। अपन फिलहाल जाएंगे और पराग भाई से भी बात करेंगे। भाई हमने पिछली बार भी अपन ने ट्राई किया था उसका जो है ओनरशिप रिव्यू का, बट उस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया। फिलहाल अपन ने लोडिंग सब कर लिए भाई, 3 इधर हमने लोड कर लिए बंदे, सामान अपना पीछे लोड कर लिया भाई। पराग बोलो भाई, कैमरामैन अपने अपने भाई सपोर्टिव गेस्ट, तो ये तीनों हो गए भाई। अपन अब निकलने वाले हैं, तो चलते हैं भाई, चलो बाय बाय। तो भाई इनिशियल ड्राइवर अपने रहने वाला है अमन भाई। अमन भाई कितना एक्साइटेड है, मतलब एक्साइटमेंट को अगर स्टार रेटिंग देना चाहे तो कितनी स्टार रेटिंग देंगे? 6 साल 5 में से? ओहो भाई, तो भाई फेट बॉय देखना है तो भाई फेट बॉय देख लो, फेट बॉय अंकल नहीं मतलब साइकिल देख लो। तो वैसे अपन निकल चुके हैं, इंटीरियर देख लो भाई, हुंडई के भी इंटीरियर काफ़ी अच्छे आते हैं, और भाई से भी अपन पूछेंगे काफ़ी कुछ बातें करने वाले। और बाकी भाई अपनी पूरी टीम कुछ इस टाइप से बैठी हुई है, आगे अपन बैठा, अमन भाई चला रहे गाड़ी, अमन भाई के पास भी हुंडई का कैसा लगता है इंटीरियर भाई? इंटीरियर एक्सपीरियंस सारा कुछ गजब लगता है, और भाई चलाने वाले भी तो गजब है, हुंडई चलाने वाले भाई। एक देख रहे हैं आप यहाँ पर ओनर को, और आप आगे ही देखिए एक ये हैं, कुछ इस टाइप से आप इंटीरियर भी बता देता हूँ। बाकी आप जो है पूरा ब्लॉग डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन में लिंक आ ही रही होगी, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट जरूर कर लें। अभी फिलहाल जाने वाला है पराग, अपन 7th में 7 बजे, तो 7th के बाद अपन मयंक भाई को आज मिलने वाले हैं। मतलब मैं भी बीच में मिला था, बट ज़्यादा हमारी इतनी बातचीत नहीं थी। तो भाई फिलहाल हम मयंक भाई से मिलने वाले हैं, और काफ़ी एक्साइटमेंट है भाई, और देखते हैं भाई रिएक्शन क्या रहे। वैसे उसके थोड़े से नॉर्मल से रिएक्शन रहते हैं, ज़्यादा कुछ जैसे हाई फाई रिएक्शन रहने वाले नहीं है, तो बाकी मज़ा आने वाला भाई आज। तो रिएक्शन देखेंगे, आपको रिएक्शन बताएंगे भी। तो चलते हैं भाई, अपन साठकुर रोड पे निकल, तो चूँकि अपन साठकुर जा रहे हैं आज, अपने घर से अराउंड 7 से 8 किलोमीटर है। तो भाई बातचीत चल रही है इन दोनों की, काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है, पीछे से सनसेट आप देख भी सकते हैं, और सनसेट नहीं सनराइज़ देख सकता भाई, सनसेट नहीं सनराइज़। तो भाई ये साठकुर रोड आ गया, इधर बामंदी देखा, ऑफ रोडिंग में भी कैसा मजा आ रहा है आपको? ये ऑफ रोडिंग फिलहाल चल रही है भाई, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीचेस बहुत है भाई रोड पे, तो फिलहाल ऑफ रोडिंग चल रही है। ऑफ रोडिंग में कितना मजा आ रहा है भाई, सस्पेंशन थोड़े से लग रहे हैं स्टिफ लग रहे हैं? नहीं लगते भाई, क्योंकि हुंडई देती स्मूथ सस्पेंशन से। तो
भाई फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं भाई के घर, मयंक भाई के घर, और मयंक भाई की स्पेशल गाड़ी भी आपको बताएंगे, और मयंक भाई जो है वो भी अपने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, उनसे भी मिलेंगे और आपको रिएक्शंस बता देंगे कि क्या रहने वाले उनके। तो चलते हैं भाई, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, आप आगे देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, वो जो हमारे दद्दू खड़े वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी भी फिलहाल खड़ी है भाई, गाड़ी स्पेशल गाड़ी है वो, उसको भी दिखाते हैं और आपको मयंक भाई से भी बात करवाते हैं। तो चलते हैं भाई, दद्दू देख रहे हैं भाई क्योंकि मयंक भाई भी 7 साल बाद मिले, आई थिंक कि बीच में मिले थे आपका मतलब। हाँ तो भाई एपिक रिएक्शन रहने वाला है भाई, अपने स्पेशल गेस्ट हैं आज के, और स्पेशल गाड़ी, इस गाड़ी का हम शूट करने वाले, तो उसका आप जो है पूरा डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं भाई, इसको आप अच्छी सी लोकेशन में लेके चलेंगे, वहाँ पर शूट पूरा करने वाले, और अपनी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है, अमन भाई, गोलू भाई, आशीष भाई। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। गाड़ी का शूट करने वाले, फॉर्च्यूनर का करने वाले एक्चुअली में, तो गाड़ी तो आपको पता चली गई ये ब्लॉग में, बाकी अपन गाड़ी का शूट भी करने वाले हैं, उसका आप प्रॉपर ब्लॉग देखेंगे, अगर डल गया होगा तो वो वाली जो है आई बटन पर मैं जो है उसकी लिंक दे दूंगा, बाकी जो है अमेज़न एक्सेसरीज पर चेकआउट करना है तो मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट ज़रूर कर लें। इसी के साथ जो है मयंक भाई से भी थोड़ा सा हम गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू ले लेंगे, उस चीज़ को भी आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं कोई सी अच्छी लोकेशन में जाकर इस गाड़ी का शूट कर लेते हैं प्रॉपर, फिर भाई का ओनरशिप रिव्यू भी ले लेंगे। देख ही पा रहे होंगे अभी ऑफ रोडिंग थोड़ी सी आप जो है बाहर से भी देख रहे होंगे अभी स्क्रीन पर सीन, तो कुछ इस टाइप से इसका जो है ऑफ रोडिंग सीन रहने वाला है। भाई लोकेशन तय करना था, अब अपन लोकेशन के लिए आ गए, यहाँ पर फिलहाल गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, बाकी अपने सारे भाई लोग यहाँ पर है, और काफ़ी अच्छी खुली स्पेस है यहाँ पर, ज़्यादा नॉइज़ वॉइस भी नहीं रहने वाला, तो इसका जो है अपन रेडी टू गो हो चुके हैं शूट के लिए, और बाकी भाई का फार्म हाउस भी बन रहा है यहाँ पर, तो कुछ स्टेप से देख सकते हैं, इसके भी शॉट्स आप ऊपर से देखेंगे तो थोड़े से फेक ड्रोन शॉट्स भी अपन लेने वाले हैं, और बाकी फिलहाल जो है गाड़ी का अपन जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यही वाली फ्रेम में आज शूट करने वाले हैं और इसको ट्रायल देखने वाले हैं अपन, वहीं पर खड़ा रहना। फिलहाल हमारे जो है पायलट चेंज हो गए गाड़ी के, तो अभी हम जा रहे हैं भाई, अगर एक सरप्राइज़ हमने अरेंज किया है तो अगर लवीज भाई मिल गए तो ठीक है, नहीं तो उल्टा हमको सरप्राइज मिल सकता है। तो भाई कैसा लग रहा चला के? भयंकर की अच्छा भयंकर की सही भयंकर बेकार की भयंकर अच्छा अच्छा अच्छा। भाई क्रेटा के पायलट है, क्रेटा E6 का भी आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके क्रेटा का भी चेकआउट ज़रूर कर लें। इस ब्लॉग में भाई इतनी सारी बता दी आपको, वेन्यू, क्रेटा, फॉर्चुनर, तो फॉर्चुनर को तो खैर आने वाला है, इस ब्लॉग के बाद आएगा या प्रोबेबली इस ब्लॉग के साथ ही जो है हम फॉर्चुनर का सेट कर देंगे। तो भाई साहब लवीज जी पटेल आ चुके हैं यहाँ पर, क्या बात है भाई साहब, बस बढ़िया भाई साहब। तो भाई ये हमारे लवीज है भाई, बियर्ड वाले, प्रॉपर बियर्ड वाले, बियर्ड हो भाई साहब, हमको जो एपिक रिएक्शन चाहिए था, रिएक्शन तो नहीं मिला है, बट भाई लवीज भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा भाई, लवीज सच्ची मेरे को लगा भाई जेनुअनली नहीं आने वाला है, फोन लगाया भाई को, भाई बोलता कि घर पे आ जाओ, बाकी इतने सारे जाएं तो अच्छा भी नहीं लगता गर्मी के टाइम में, बाकी अच्छा लगा भाई, और करते हैं बातें आपको बताते हैं बाद में। तो भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा है, और लगभग 3 से 4 शूट्स हो गए जो कि अपन वीडियो अपलोड करने वाले अपने चैनल पे, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। साथ ही साथ सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा मैं, मेरी स्क्वाड को भी, साथ ही पराग भाई को भी जो भी फिलहाल शूट कर रहा है। तो बस यार आज का ये दिन था, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। Thank you.